साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे बात करनी थी भाई कि यार काफ़ी सारे कुछ एडवाइस देना था मेरी तरफ से। ये मान लीजिए क्योंकि आप लोग गलती पता है क्या कर देते हो, मैंने पहले भी बहुत सारी जगह वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। अभी मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ कि मेरे कमेंट में जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना उनसे ज़्यादा कमेंट में मेरे नंबर होते हैं कि सर हम जितनी प्रकार की मैं वीडियो डाल रहा हूँ नॉलेजेबल उसमें नीचे अब आप नंबर लिख देते हो, सर मुझे मेरा काम करवा दो, मेरी ये कैटेगरी है, मुझे यहाँ कंट्री में भेज दो, वहाँ भेज दो। बात मेरे वीडियो की नहीं है, आप कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप जो भी वीडियो देखते हो ना आपको खुद को पता है। मैं आपसे आंसर लेना चाहूँगा, मान लीजिए आप कनाडा कोई भी कंट्री का वीडियो देखते हो किसी एजेंट का, या चाहे वो काम ही नहीं करता हो आपको सजेशन दे रहा हो, या फिर काम भी लोग करते हैं 99% तो यूट्यूब पे लोग एजेंट लोगों के वीडियो आते हैं आपको सबको पता है, उसमें आप क्या करते हो कि नीचे अपने कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हो। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास 2-3 दिन पहले एक बंदे का मैसेज आया, बोला सर मैंने आपका वीडियो दुबई का देखा, उसमें मैंने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर छोड़े थे और उस पर मेरे पास दुबई से एक कॉल आया, उसमें मुझे ये बताया मात्र 25,000, हालांकि मैं काम नहीं करता। उस बंदे ने बताया दुबई वाले ने कि मैं काम नहीं करता हूं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर आपने हमें भेजे हैं कमेंट के नीचे, मैं कंपनी में सुपरवाइजर का जॉब करता हूं, कंपनी को हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, अगर आप आना चाहते हो तो आपको वीज़ा और टिकट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, 3 मंथ का वीज़ा और टिकट, ठीक है साथियों, और आपको सिर्फ 25,000 रुपये देने हैं, ये मेरा आप जब भी डालना चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर ले लीजिए उसमें डाल दीजिए। तो बंदे ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, बोला सर आपका किसी बंदे का कोई मेरे पास फ़ोन आया, मैं बोला भाई नंबर बताओ, तो नंबर बताए, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और आपने देखा होगा, और ये वही लोग करते हैं जो पड़ोस में लड़ाई हो रही है या पड़ोस में लड़ाई हो रही है, आपस में अपन घर वालों में हो रही है, तीसरा पड़ोसी आके फोकट में उनको राय देने लग जाता है, समझ रहे हो। आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हैं, सर हमें यहाँ भेज दो, सर हमें वहाँ भेज दो, मैं तो भाई किसी को आज तक फ़ोन नहीं किया, आप लोगों को पता है आते हैं तो भी मैं तो फीस लेके बात करता हूँ, सीधी बात है सबको पता है, तो मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे से, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको देने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन उसके नीचे एक तीसरा कमेंट आता है, एनी इंक्वायरी मोर डिटेल, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर इतने में ये हो जाएगा, मतलब वो फोकट में राय देने वाले बंदे होते हैं जो बिना ही मतलब में तीसरे के घर जाके अपनी राय थोप देते हैं ज़बरदस्ती। वो क्या करते हैं, उनका एक फंडा होता है, मान लीजिए लोग ये काम कौन करते हैं, ज़्यादातर तो लोग विदेश में बैठे हैं, यहाँ से गए थे कमाने के लिए, वहाँ जाके फ्रॉडबाजी या एजेंटी करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, दिन में वो 100-200 वीडियो देख लेते हैं और 100-200 में बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मिल जाते हैं, उनमें वो जाके नीचे कमेंट करते हैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर, मलेशिया वाले में देख लो, दुबई वाले में देख लो, सिंगापुर वाले में देख लो, ठीक है, वो अपना नंबर लिख देते हैं बंदे को, फिर कोई ना कोई, अब जैसे मान लीजिए 100 दिन में 100 कॉन्टेक्ट नंबर के नीचे अपना कमेंट दे दिया, नंबर दे दिया, तो 100 में से 2-4-5 भी उनको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, एक बंदा भी उनके झांसे में आ जाता है पर डे, तो कितना पैसा बनता है, और वो पैसा इतना कम बताते हैं कि 100% बंदा उनके बैकाव में आता ही आता है, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई अब देख लो दुबई का कहाँ से लोग लाख लाख रुपए देके जाते हैं, दुबई का परमिट वीज़ा विजिट वीज़ा कैसे भी जाते हैं 70-80 हज़ार रुपये देके जाते हैं, वो बंदा 25,000 रुपये ले रहा है, अच्छी जॉब 40,000 की सैलरी दे रहा है, तो ये ठगी नहीं होगी तो क्या होगा भाई, फिर आप बोलोगे हमारे साथ ठगी हो गई, हम बर्बाद हो गए, ये हो गए। तो हमेशा ध्यान रखें कमेंट में अपने कॉन्टेक्ट नंबर क्यों लिखते हो भाई, कमेंट में नंबर लिखने की कहाँ ज़रूरत है। देखिए मैं बता दूं, कमेंट में नंबर लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको ज़रूरत है ना तो आपको अगले के पास तक पहुंचना पड़ेगा अपने बायोडाटा डॉक्यूमेंट लेके ऑफिस तक, जेन्युइन बंदा है कभी आपको बैक कॉल नहीं करेगा, और बैक कॉल वही लोग करते हैं जो फेक काम करते हैं, जिनको फंसाना होता है वही फेक कॉल करेंगे, वरना फेक कॉल नहीं करेंगे। तो भाई रिक्वेस्ट ये है कि मेरे वीडियो के नीचे कमेंट लिखने की कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज तक 3 साल में किसी को कॉल किया भी नहीं है, आता है तो भी मैं तो फीस लेके बात करता हूँ, तो दिमाग में बिठा लो यार मैं कहाँ से कॉल कर लूँगा, पहले तो हर वीडियो में मैं हेडिंग डालता था प्लीज कमेंट में कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखें, फिर भी लोग जबरदस्ती लिख देते, और उनका फायदा वो लोग उठाते हैं जो ये फर्जीवाड़ा करते हैं, समझ गए, उनका कोई अता पता नहीं होता, कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप कॉलिंग उनका कॉन्टेक्ट नंबर विदेश का होता है, थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, बात खत्म। तो ये बात थोड़ा सा गौर कर लें, कमेंट में नंबर लिखने से नीचे कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको जॉब नहीं देगा, अगर आपको जॉब चाहिए मैन पावर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे जाके बात करिए, फ़ोन पे कोई रिस्पांस, अब हमेशा नोट कर लेना भाई, जो मैन पावर ऑफिस होती है ना वो फ़ोन पे भी रिस्पांस नहीं देंगे आपको, आपको ऑफिस जाके ही बात करनी पड़ेगी, ये दिमाग से निकाल दो, फ़ोन पे रिस्पांस वो देते हैं
जो ये काम करते हैं उनको पता है पैसे लेने बंदे से कैसे भी करके, वो फोन पे रिस्पॉन्स देते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर कर लीजिए, वीडियो में किसी के भी वीडियो में कमेंट में जाके नंबर ना लिखें, सस्ते के लालच में ना आए भाई, सस्ते के लालच में आओगे तो आप खराब हो जाओगे। बस इतनी जानकारी मुझे देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज अच्छे टॉपिक पे आपको सही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।